हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट गणित का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 6 जुलाई को होने वाला है और 6 जुलाई को आप लोगों का गणित और हिंदी का एग्जाम होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए हिंदी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग 10 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? +1, -1, 0 या 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, +1 है, जोड़ 1। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पहला ऑप्शन है +1, दूसरा -1, तीसरा 0, चौथा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, तीसरा नंबर, सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में माइनस लगा हुआ है, सभी में माइनस लगा हुआ है, इसलिए जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, -7 सबसे बड़ा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, चार नंबर की ओर, -11 जोड़ -12 का योगफल कितना होगा? -11 जोड़ -12, दोनों माइनस में, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, 11 और 12 को जोड़ देंगे, 23 हो जाएगा। दोनों में माइनस है इसलिए -23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, पाँच नंबर। पाँच नंबर का क्वेश्चन है, 16/24 का सरलतम रूप है, 16/24 का सरलतम रूप है। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 24, तीसरा 4/6 और चौथा 2/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 2/3। इसको बस काट देंगे हम लोग, इसको काट देते हैं, चलिए 8 से, 8 2 16, 8 3 24, 2/3 आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर, 2/5 का समतुल्य संख्या है, 2/5 का समतुल्य संख्या कौन सा है? पहला ऑप्शन है 10/20, दूसरा 1/5, तीसरा 5, तीसरा ऑप्शन है 8/15, चौथा ऑप्शन है 20/40। तो 2/5 का समतुल्य संख्या ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 8/20। 8/20 को काटेंगे, 2/5 आ जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 2 8, 4 5 20। देखिए 2/5 आ गया है, यानी कि 2/5 का समतुल्य है 8/20। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1 रुपये का 3/4 कितना होगा? 1 रुपये का 3/4 कितना होगा? पहला ऑप्शन है 0.75, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 7.5, चौथा ऑप्शन है 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0.75। 4 से भाग देंगे हम लोग 3 को, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, 7, देखिए 4 7 28, माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा पॉइंट, इसलिए 0 लगा सकते हैं, 4 5 20, 4 5 20 खत्म हो गया। तो यहाँ पर 0.75 आया है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 8 नंबर की ओर, 28 का 4/7 कितना होगा? 28 का 4/7 कितना होगा? तो 28 का 4/7, इसको काट देते हैं, 7 1 7, 7 4 28, अब ये वाला 4, ये वाला 4 को गुना कर देंगे, 4 4 16 हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 9 नंबर की ओर, 3/7 का व्युत्क्रम होगा, 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3/7, 7/3, -3/7 या -7/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 7/3, 3/7 का व्युत्क्रम 7/3, जस्ट उल्टा कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1/2/3 का व्युत्क्रम होगा, 1/2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 3/1/2, दूसरा ऑप्शन है 2/1/3, तीसरा ऑप्शन 1/1/3 और चौथा ऑप्शन है 3/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा,
देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3 को 1 से गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे, 3 × 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब 5/3 का व्युत्क्रम 3/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। देखिए निम्न में कौन उचित भिन्न है, निम्न में कौन उचित भिन्न है बताना है, निम्न में कौन उचित भिन्न है। पहला ऑप्शन है 5/6, दूसरा ऑप्शन है 6/5, तीसरा 7/3 और चौथा ऑप्शन है 8/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 5/6 उचित भिन्न है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है 7 का योज्य प्रतिलोम होगा, 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा -7, तीसरा 1/7, चौथा 0। तो देखिए योज्य प्रतिलोम माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, यहाँ पर देखिए प्लस 7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अगर -5 रहता तो इसका योज्य प्रतिलोम 5 हो जाता, अगर 5 रहता तो इसका योज्य प्रतिलोम -5 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। -8 का योज्य प्रतिलोम है, -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 8 होगा, -8 होगा, 1/8 होगा या 0 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, +8 होगा या सिंपल 8 होगा। -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 8 होगा। इसको अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है 5 - -7 का अंतर होगा, 5 - -7 का अंतर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 12, चौथा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए 5 और -(-) मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर 7, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। -9 + -6 का अंतर, -9 और यहाँ पर देखिए -(-) प्लस हो जाएगा 6, इसको सॉल्व कर देंगे तो -3 आंसर हो जाएगा, -3 -3 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। -17 + 35 का मान होगा, -17 + 35 का मान क्या होगा, 18 होगा, -18 होगा, 8 होगा या -8 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे हम लोग 35 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 - 9 = 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 यहाँ पर बच जाएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 1 1, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा इसका आंसर, 18 ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। -3 × -2 का गुणनफल क्या होगा, तो -(-) प्लस हो जाएगा, 3 × 6 6, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी मैंने आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है सभी को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 पूर्णांकों का योग -16 है, 1 पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए इसको इस प्रकार हल करना है, माना कि दूसरा पूर्णांक ए, तो 36 + a = -16, 2 पूर्णांक का योग, यानी कि पहला 36 है दूसरा ए है, तो दोनों को जोड़ देंगे, -16 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम लोग पक्षांतरित करेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो ए को एक साइड रख देते हैं, -16 को -16 लिख देते हैं, और ये जो 36 है प्लस में इधर आकर बराबर का दूसरी साइड आकर -36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 - 36 हो गया, और दोनों माइनस में इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, और माइनस के साथ लगेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, तो a = -52, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 2nd नंबर की ओर। कोई पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, a का मान ज्ञात करें। कोई पूर्णांक है a और -7 का अंतर 5 है, यानी कि a और -7 का अंतर, बीच में अंतर माइनस करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, बस सिंपल हो गया, a -7। अब यहाँ पर देखिए -(-) क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, तो a +7 = 5। अब यहाँ पर a का वैल्यू निकालेंगे तो +7 को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर a = 5 - 7 हो जाएगा, a = 5 - 7, तो a = -2, जस्ट सिंपल a = -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3rd नंबर। देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है 2 पूर्णांकों का योग -11 है,
यदि इसमें से एक पूर्णांक 7 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए दो पूर्णांक है जिसका योग -11 है और उसमें से पहला पूर्णांक 7 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। माना कि दूसरा पूर्णांक ए, तो देखिए ए और 7 को जोड़ देंगे, ए और 7 को जोड़ देंगे तो -11 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, 7 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो -7 हो जाएगा, सिंपल। अब ए बराबर -11 -7, दोनों को माइनस, दोनों में माइनस इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस के साथ -18, यही इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। कोई पूर्णांक ए और -6 का अंतर -3 है, ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर भी ए माइनस -6 हो जाएगा, अंतर है इसलिए माइनस लगेगा और -6 इसलिए यहाँ पर -6 लगेगा, दोनों का अंतर -3 है, -3 लिख देंगे। ए का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया। उसके बाद +6 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो -6 हो जाएगा, -6 कर देंगे। उसके बाद क्योंकि दोनों माइनस में है दोनों को जोड़ देंगे, +9 हो जाएगा, ए बराबर प्लस नाइन, यही इसका आंसर हो गया। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। सीता एक घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, दो पूर्णांक 1/4 घंटों में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। तो देखिए इसका हल आपको इस प्रकार करना है, सीता द्वारा 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग 1/3, अतः 2 पूर्णांक 1/4 घंटे में उसके द्वारा पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग बराबर, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, 2 पूर्णांक 1/4 को गुना कर देंगे 1/3 से। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/4 भाग आ जाएगा, 3/4 भाग यही इसका आंसर है। तो इसका आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बाकी आपको बाकी सब्जेक्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।